रिश्तों के तो रूप बदलते। मैं इस वजह से सारे नहीं सुनाता, मेरे जितने भी शक्ली कॉन्ट्रोवर्सी वाली हो। पहली बार देखा मेट्रो स्टेशन डे, आज तक मेट्रो में, आज तक मैं कभी मेट्रो में नहीं बैठा भाई। पहले मैं आया हूँ घुसा दो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर सो मेनी डेज एंड हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का फर्स्ट डिनर है और मेरा फास्ट है। मैंने सोचा कि मैं फास्ट रख लेती हूँ, ज्यादा का मैं वादा नहीं कर रही, बट फर्स्ट और लास्ट तो मैं सोच ही रही हूँ, बाकी अगर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी। एंड आज मैं रेडी होकर ऑफिस आई हूँ सूट पहनकर। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय माता दी। आपका भी व्रत है आज? आज करण का भी फास्ट है ना? पहले पर तुम नवरात्रि का रखते थे? फिर मैंने बीच में छोड़ दिए। जन्माष्टमी वगैरह हर दिन, मतलब एक दिन नहीं जाना। तो कुछ खाते नहीं थे तुम्हारे व्रती मानो? बुलंदशहर में नोएडा में छोड़ दिया। फिर आप शुरू हो गए फर्स्ट लास्ट। पूरे नौ, पूरे नौ रखते हो? अरे वाह, साढ़े बारह पता मुझे ना, माँ ने आज टीका लगाया है और इतना बड़ा लगाया है, पर मैंने सोचा टीका मिटाते नहीं है इसलिए मैंने मिटाया नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैंने बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ वापस और मैंने नारियल पानी लिया है। बिना बात का फास्ट बनाते खूब खा पी रही है, बल्कि दूध नहीं, वो तो तुमसे निरा मेरे से कंट्रोल तो फिसल रहे हो। अभी कह रहा था मैं तो खा लूंगा घर जाकर, छोले भटूरे दिख रहा था। अरे नारियल पानी के बराबर में छोले भटूरे वाला इतना टेस्टी लग रहे हैं देखने में। फिर मैंने तुम्हें समझाया कि इट्स अबाउट सेल्फ कंट्रोल, फास्ट का मीनिंग ये नहीं होता कि फास्ट। इसलिए मैंने कहा तुम्हें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है फास्ट कर ले, फास्ट फास्ट खाना तेरे लिए। सो गर्मी आ चुकी है एंड वैसे तो मुझे पसंद है गर्मियों का मौसम, लेकिन शिमला वाला जहाँ पे ज्यादा भी गर्मी नहीं होती है, यहाँ की गर्मी तो बहुत मतलब टॉलरेट नहीं हो पाती है, वैसी होती है। गाइज आज बहुत ज्यादा धूप है एंड मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि जैसे समर्स आ रहे हैं एंड समर्स के स्किन केयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सनस्क्रीन। सो मैं यूज करती हूँ डर्माको की ये वाली सनस्क्रीन, विच इज डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। गाइज The Dermacos 1% Hyaluronic Sunscreen has SPF 50 and it lasts up to 6 hours. ये water और sweat resistant भी है, यकीन नहीं होता अभी दिखाती हूँ। It is super lightweight and non-greasy sunscreen. The best part is it leaves no white cast. Infused with hyaluronic acid, this sunscreen deeply hydrates your skin, keeping dryness at bay. It has vitamin E which reduces sun damage. So guys, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, लेकिन मुझे इसे अपने साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला 6 hours तक स्टे करता है स्किन पर। So guys, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसे बाय कर लो। यूज माई कूपन कोड संदीपा 2024 टू गेट 20% ऑफ ऑन द dermaco.com। पति के पास में धन के उतने स्रोत खुलते हैं। अगर पति आपको खर्च करने के लिए पैसे नहीं देता, कंजूसी दिखाता है, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं करता, आपको शुक्रवार के हाँ पत्नी को पैसे दे चलना चाहिए, खर्च करना चाहिए, उतनी लक्ष्मी बरसेगी। अच्छा अच्छा, ये साड़ी ये सब है ना, और ये जितने भी तेरे पास एलवी गुच्ची के बैग और इतनी गाड़ी और सब कुछ, ये और देते रहने चाहिए। ये आसमान पर से टपक रही है ना पति, हमेशा और देते रहने चाहिए, और देते रहने चाहिए, यही तो बता रही है। पाई का फेस इसलिए पाई ने मेकअप करा हुआ आज मैंने वो लगाई है वो सनस्क्रीन सन, कुछ डिफरेंस लग रहा है। हाँ तो एक बात होगा, इतना सारा जो तेरे पास ये 20 अलमारी जो भर रही है कपड़ों में, ये कहाँ से लाई? सब मेरे ही दिए पैसे के ना। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड ये है डे 2 ऑफ नवरात्रि। मेरा आज भी व्रत है, मैंने सोचा जब कल रख लिया तो आज रखने में क्या है। और आज भी अपने दूसरे ऑफिस में हूँ जहाँ पर काम वाम चल रहा है, आप देख ही सकते हो बहुत शोर है, होका पीटी ड्रिलिंग व्रिलिंग बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आकर मन बहुत अच्छा लगता है, जो भी बोलो शोर होता है सब कुछ होता है, लेकिन अलग सी पॉजिटिविटी आती है। ये करण भी यहाँ बैठे हुए हैं, काम वाम कर रहे हैं, सब काम चल रहा है इधर, ये देखो। और अभी कूलर लगाया हुआ है बिकॉज एसी का तो अभी काम चल रहा है। हम निकल चुके हैं ऑफिस से, मेरा तो फास्ट है लेकिन करण को भूख लग गया, मैं करण के साथ जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आई थिंक एक दो वो भी है स्टोर्स भी है, तो मैं वहाँ चले जाऊँगी, करण कुछ खा लेंगे तब तक।
एंड फिर हम वापस ऑफिस आ जाएंगे. अभी वहाँ पर काम थोड़ा स्लो हो गया है बिकॉज ईद की वजह से जो वर्कर्स है वो ईद मनाने चले गए हैं छुट्टी पे, तो थोड़ा ना स्लो हो गया है काम अभी, इसलिए कहीं चल लेते हैं. करण तो टिम हॉर्टन्स आए हैं मेरे लिए खाने लायक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठूंगी. आज इतनी ज्यादा धूप, इतनी लू चल रही थी, बात मेरे को लगा कि यार कहाँ आ गए, इतनी तेज इतनी कड़क धूप थी यार. आज मैं इतनी चंपू लग रही हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं करा है और मेरे बाल में बहुत ज्यादा ऑयल आ चुका है. यार मेरा मन कर रहा है मैं खाऊं सब कुछ, पर चलो डन देते हैं आज के दिन. गाइस ये देखो करण का इतना टेस्टी खाना आया है, मैं तो खा नहीं सकती. हाँ शेक ये वो. सैंडी मेरे को बोलियो यार मेरी गाड़ी में से मखाने मंगा दो. हाँ मैंने मखाने लाए हुए हैं अपने, तो मैं वो खा लूंगी. मुझे तरस आ रहा है क्योंकि सैंडी बहुत फूडी, तो सैंडी का मन कर खाओ देख देख, लेकिन क्या कर सकते हैं. तुम खाओ कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो भूख लग रही है. सो गाइज ऑफिस से हम वापस आ गए थे एंड अभी शाम का टाइम हुआ है, मैं विला आई हुई हूँ. लेकिन अब मैं सच बताऊँ विला में सच में मन नहीं लगता बिकॉज रिकी चला गया है और रिकी यहाँ पर ना हंसता खेलता रहता है, मजाक करता रहता है पूरे टाइम. हालांकि जब वो मेरा मजाक उड़ा रहा है तब तो मैं बहुत गुस्सा होती हूँ उससे, पर अब हमें उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है. तो ये देख जैसे मैं रिकी की बात करी, बाबू भी आ गया मामू रिकी. तो बाबू जा रहा है घूमने एंड मैं भी जा रही हूँ घूमने. ये हम चल दिए घूमने और एक मेहमान हमारे साथ रेडी है. और नहीं नहीं कंचे मैडम को छोड़ने. नाम तू बस बोल. जब तक हम ना राइड पे जा रहे थे ऐसे शाम के टाइम हो गया था, तो कल चल घूमने चलते हैं कार में. हाथ खंजा सोचा मैं भी निकलू, अभी टाइम हो गया मेरा. अभी रुक जा रास्ते में मिलेगी बम्बू, वहाँ छोड़ूंगा पहले बढ़िया मौसम हो रहा है यार. वाह देखो बहुत बढ़िया मौसम. गोलू बिरो पर गोलू खोल नहीं पा रहा शीशा. गोलू फट गया भाई, गोलू फट गया. हेलो गोलू कहाँ जा रहा है? नीचे तो कर, कैमरा नीचे कर. नई गाड़ी चला रहा है बेटा, नई गाड़ी बेटा है. और क्या भागो. तो हमने कंचन को ड्रॉप कर दिया है मेट्रो स्टेशन पे. हम सोचा यार गेट तक है तो मेट्रो स्टेशन तक पास ही. पहली बार देखा मेट्रो स्टेशन पे. ऊपर ये रूफ खोली हुई ना मैंने तो अपनी साइड की, इधर की रूफ. पहली बार तुम कभी बैठे नहीं हो मेट्रो स्टेशन? आज तक मैं कभी मेट्रो में नहीं बैठा भाई. हाँ ये मेरा रिकॉर्ड है. मैं आज तक रिकॉर्ड मतलब भली नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी है, पर आज तक मैं मेट्रो में बैठ नहीं पाया. पर मेरा मन बहुत है यार एक बार. नहीं लंदन में बहुत बैठा हूँ मैं, लंदन के मेट्रो से. इंडियन में भी एक बार बैठा. हाँ इंडियन मेरा मन तो है बहुत टाइम से. चलेंगे अभी मौका भी मिला नहीं है ना, अब कभी ऐसे चल लेंगे थोड़ा आगे स्टेशन से फिर वापस आ जाएंगे. ठीक है ओके. फोन और टूर बढ़ गया ये दे. जूम करा इतना मोटा मुंह आया तेरा. कैमरे में नहीं आ पाया? नहीं आया. मॉडल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है चश्मे से. रिकी तू लगे तू पतला हो गया. ऐसे नहीं लग रहा बिल्कुल भी. नहीं गोलू इसमें पता है रूफ भी है ऊपर, सनरूफ भी है इसमें. खोल ले. नहीं उसका ऑडी में खोलना मुझे. चलते बनो. चलो 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 बाय. लग गया. मेरे लिए क्या लाए हो तुम दोनों? मेरे लिए मैं लाया हूँ घूसा दो, अभी दूंगा घर. खाएगा बता. आ जा घर, अभी मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ. हेलो गाइस, सो आज मैंने दोबारा साड़ी पहनी है ये देखो, और बताना मैं कैसी लग रही हूँ. ये ब्लैक कलर की साड़ी है बंदेज की, तो मुझे बड़ी सुंदर लग रही है. बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं इसमें. एक्चुअली आज क्या है ना, आज ईद है, सो हमारे ऑफिस वगैरह हर जगह छुट्टी है, तो आज हम घर पर ही है. रिश्तों के तो रूप बदलते हैं. इग्नोर सैंडी को इग्नोर. एक शायरी सुना दो. कौन सी? बहुत दिन हो गए यार. अजय भैया ऐसे नहीं आती, उन्होंने याद कर रखी होती है. ऐसे कोई इंस्टेंट बोलोगे तो थोड़ी याद आएगी. आप कुछ भी बोल दो किसी के ऊपर. बंद ना कर रहा, बंद नहीं होगा ऐसे याद करो. बंद तो नहीं आ रहा है, पर मैं इस वजह से सारी नहीं सुनाता. मेरी जितनी भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी वाली हो होना जा रहा हूँ मैं. ये लो अजय भैया ने करी कॉन्ट्रोवर्सी. मैं इसी वजह से मैं इससे बहुत दूर हुआ हूँ. साहिबा सुनो मैं बताऊँ, एक लाइन छोटी सी बताऊँ. बिहार में अजय रहते थे, अजय भैया बिहार में पीते थे ताली. सैंडी ने पहनी है साड़ी. ताड़ी क्या होता है? ताड़ी बताएंगे. नसाई बताए
नशा कच्ची शराब, कच्ची शराब टाइप की फिर उसमें खंडी सी टांगे जा, फिर उसमें बूंद बूंद से गिरती रहा, फिर उसे छान के पीमा है तो बहुत अच्छी लगी। तो भैया जिसको पता करना हो ताड़ी क्या है, अजबिया ने बता दिया, अजबिया को संपर्क करो, अजबिया की एक पिन्नी हमेशा टंगी रहती है पेड़ों पर। मटका मैं बोल रहा हूँ, आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ भी चीज पियो ना, ये मैं पी रहा हूँ शरबत। किस चीज का है बता दो, मेरे खास तो इसका शरबत पियो तो हर चीज फील हो रही है। आजकल मैंने पिया बनाना से ठंडा ठंडा दोनों चीज फील हुई, एक एक घूट अंदर जाते यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए, पूरा अंदर तक दर्द हो गया, मतलब इतनी गर्म। ये भी पी रहे हैं कुछ अनिकेत मेरी बात से, रियल जूस गर्मी तो बहुत हो रही है इधर, बहुत अभी मैं बाहर गया लगा तो जल जाऊंगी, इतनी इतनी गर्मी थी। तुम लोग क्यों रहते हो यहाँ, कैसे रहते हो यहाँ, ज्यादा शिमला वाली। कंचन हंस के दिखा दियो, फेमस बता, हम मीम बनाएंगे ना उसका, बहुत खतरनाक हंसती है कंचन। देखियो ये कैसी है यार, खुद ही जोक मारेगी और हर एक इंसान की तो बेइज्जती करेगी ये। करण वो कह रही करंट भैया और खुद ही हंस रही है।